हेलो दोस्तों, आरके मिक्स इंटरटेनमेंट चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको इग्नू के जो भी एमए के कोर्स होते हैं उनकी कैसे परसेंटेज निकाली जाएगी, इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा। उनके परसेंटेज निकालने का थोड़ा डिफरेंट स्टाइल होता है, जो हमने 12th वगैरह तक सीखा होता है उससे काफ़ी डिफरेंट होता है। दोस्तों, एक चीज़ ध्यान और रखना कि जो एमए फर्स्ट ईयर होती है उसमें आपके 100 नंबर के मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है, और जो सेकंड ईयर होता है उसमें किसी कोर्स में 50 का होता है, किसी में 25 का होता है, और किसी में 100 के भी होते हैं। तो सेकंड ईयर में अलग अलग मार्क्स के जो टोटल क्वेश्चन पेपर होता है अलग अलग मार्क्स के होते हैं। जैसे ये एमपीएस मतलब एमए पॉलिटिकल साइंस इग्नू का रिजल्ट है, इसमें जो सेकेंड ईयर के होते हैं वो 50 मार्क्स के पेपर होता है, और जो फर्स्ट ईयर के हुए थे वो 100 मार्क्स के हुए थे। ये किसी की मार्कशीट है, ऐसे मार्कशीट आती है आपकी, लेकिन ये ग्रेड कार्ड स्टेटस है। दोस्तों, इसमें आपके जो ये सेकेंड ईयर के जो नंबर हैं, हालांकि पेपर तो 50 मार्क्स का होता है टोटल, लेकिन ये जो टोटल मार्क्स दिए गए हैं थ्योरी के, ये आपके 100 में से कर देते हैं, ये इसमें डबल कर देते हैं, 100 में से दे रखे हैं ये। जैसे ये 50 आ रखे हैं तो 100 में से 50 है, और वैसे टोटल आ रखे हैं 50 में से 25, ये डबल कर रखे हैं यहाँ पे, ये ध्यान रखिएगा। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको परसेंटेज कैसे निकालनी है। परसेंटेज निकालना इसमें थोड़ा डिफिकल्ट है, डिफ़िकल्ट नहीं है, थोड़ा अलग स्टाइल से है। तो दोस्तों, इसमें आपको एक तो असाइनमेंट होता है और दूसरा थ्योरी होता है। ये जो आप देख रहे हैं ये फर्स्ट ईयर के पेपर हैं 100 100 मार्क्स के, और ये जो बाकी जो बच गए ये सेकेंड ईयर के पेपर हैं। इसमें ये जो पहला है इसका रिजल्ट आया नहीं था, तो मैंने आपको अपनी तरफ से इसका 50 लिख दिया आपको दिखाने के लिए। और इसमें सेकंड ईयर का जो ये एक पेपर ये है, इसमें ईआर थी तो इसको काट के मैंने 50 लिख दिया है, और बाकी ये सारे पास हैं। तो मैं आपको अब बताता हूँ कैसे क्या है। तो दोस्तों, एक चीज़ देखिए, आप इसमें जो असाइनमेंट होते हैं इसके आपके सिर्फ 30% मार्क्स ही काउंट होंगे, और जो थ्योरी होती है इसमें आपके 70% मार्क्स काउंट होते हैं। और निकालने कैसे हैं आपको, बड़ा इजी मेथड है। जैसे 70 नंबर आए हैं आपके 100 में से, तो आपको ये देखिए कैलकुलेटर है, तो 70 आए हैं तो 70, वैसे तो ये होता है 70 मल्टीप्लाई बाय 30% निकालने हैं, तो 30 भाग में 100, तो आपके 21 मार्क्स हो गए असाइनमेंट में। मैं इसको साइड में लिख लेता हूँ 21। लेकिन दोस्तों, आपको इजीली और जल्दी जल्दी करना है तो आप एक काम कर सकते हैं, इसको 0.3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्योंकि 30% 30 डिवाइडेड बाय 100 0.3 ही आएगा, तो इसको आप 0.3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, इजीली हो जाएगा। तो 70 × 0.3 देखिए 21 ही आ गया। ऐसे ही ये जो थ्योरी के हैं ये 70% लेने हैं, तो 70% के लिए आपको 70 डिवाइडेड बाय 100 करने हैं, तो वो 0.7 हो गया, तो इसको भी आप 0.7 से कर लीजिए। तो ये MED 08 में आपके 50 आए हैं, तो 50 मल्टीप्लाई बाय 0.7, तो आपके ये हो गए 35। अब मैं आपको जल्दी जल्दी से ये सब करके बता देता हूँ। 35 मैं लिखता रहता हूँ यहाँ पे, और ये जल्दी जल्दी कर देता हूँ ताकि ठीक है। अब ये सेकंड में देखिए, सेकंड MGPE 07 74 आए हैं, तो 74 थ्योरी असाइनमेंट में आपको 0.3 से करना था, 0.3 22। एक बात और ध्यान रखिए दोस्तों, ये आपका 22.2 आए हैं, तो अगर ये 0.5 से कम है तो ये आपको नीचे वाले ले लेना है, जैसे 22 ही ले लेना है। अगर ये आपका बाय द वे आपका 22.5 होता या 6 होता 7 होता, तो आप ये मार्क्स 23 ले लेते, इसको 23 काउंट कर लेते। दोस्तों, ये पहले तो पॉइंटों में ही काउंट होते थे पहले जब होते थे, लेकिन अब इग्नू ने पॉइंटों का सिस्टम ख़त्म कर दिया है। अब ये उस या तो 22 ले लेंगे, अगर ज़्यादा है 0.5 से तो आपका 23 काउंट कर देंगे। तो दोस्तों, अब मैं आपके इसी के थ्योरी के मार्क्स काउंट करता हूँ। तो ये 50 ही थे, पिछले भी 50 थे, तो इसके ऑटोमेटिकली हम 35 ही हो जाएंगे। ये 69 है, तो 69 असाइनमेंट में है मल्टीप्लाई बाय 0.3, तो 20.7, तो इसको हम 21 कर देंगे ठीक है। ये आपके 44 है, तो 44 को आपको
थ्योरी में 44 × 0.7 30.8 है, तो इसको 31 कर लेंगे। अब इसमें देखिए MPS 01 में 75 आए हैं थ्योरी में, उसमें असाइनमेंट में 75 मल्टीपॉइंट बाय 0.3 22.5। देखिए इसको आप 23 मान लेंगे, 23 ये 48 हैं, 48 पॉइंट मल्टीप्लाई बाय 0.7 33.6, इसको आप 34 कर लीजिए। ऐसे ही ये 75 हैं, तो पिछले भी 75 थे तो इसको हम 23 ही काउंट कर लेते हैं क्योंकि हमें निकाल रखा है हमने। ये 46 है, तो 46 मल्टीप्लाई बाय 0.7 32.2, इसको हम 32 लिख लेंगे। ऐसे ही ये 78 है, 78 मल्टीप्लाई बाय 0.3 23.4, तो इसको हम 23 लिख लेंगे। और ये 56 हैं आपके, तो इसको 56 × 0.7 39.2, तो इसको हम 39 लिख लेंगे। ये 75 हमने, ये 75 थे, तो दोनों 75 का एक ही रिजल्ट आना है, तो इसको हम 23 कर लेते हैं, दोबारा निकालने की ज़रूरत है नहीं। 57 को अब हम 57 × 0.7 39.9, तो इसका 40 आ गई है। ठीक है, अब आपका 73 है, अगले MPSE 01 में 73 हैं, तो 73 मल्टीप्लाई बाय 0.3 21.9, तो ये आपके 22 हो गए। और अगले में ये थ्योरी में आए हैं 40, तो 40 × 0.7 28। ऐसे ही आपके 71 आए हैं अगले, उसमें 71 मल्टीप्लाई बाय 0.3 21, और उससे अगला आपके आए हैं 40, तो पिछले थ्योरी में भी हमें 40 थे, तो इसके हम 28 लिख लेते हैं। फिर आए हैं ये आपके 71, जो ये असाइनमेंट में आए हैं, तो 71 ही पिछले में थे, तो इसके हम ऑटोमेटिकली 21 लिख लेते हैं। 42, तो 42 के लिए हम 42 मल्टीप्लाई बाय 0.7 29। ये MPSE 07, इसमें 70 हैं, तो ये 70 ऊपर लिया था सबसे ऊपर, 21 लिख देते हैं इसके, दोबारा निकालने की ज़रूरत नहीं होगी। 50 है, 50 थे, 35 लिख लेते हैं। ये 74 हैं, तो 74 ये देखो सेकंड वाले पेपर में थे 74, तो इसके 22 लिख लेते हैं हम। ये 46 हैं, तो ये 46 थे, ये 32, तो ये आपके टोटल 100 में से आपके मार्क्स हो जाएंगे असाइनमेंट और थ्योरी के, जो एक्चुअली काउंट होंगे आपकी परसेंटेज निकालने के लिए। तो अब आपको पहले असाइनमेंट के टोटल कर लेते हैं, 21 प्लस 22 प्लस 21 प्लस 23 प्लस 23 प्लस 23, 3 बार 23 हैं, 4 बार, सॉरी गलती हो गई, 21 प्लस 22 प्लस 21 प्लस 4 बार 23, 23 प्लस 23 प्लस 23 प्लस 23, तो अब इसके बाद 22 प्लस 21 प्लस 21 प्लस 21 प्लस 22, एक बार चेक कर लेते हैं, 21 22 21 23 23 23 23 22 21 21 22, तो ये हमारे हो गए असाइनमेंट में टोटल 263 दोनों ईयर के मिला के, फर्स्ट ईयर के भी और सेकंड ईयर के भी मिला के। अब थ्योरी में देख लेते हैं, थ्योरी में आपके 35
30 तो ये आपके 35, 35, 31, 34, 32, 39, 40, 28, 29, 35, 32 ये आपके टोटल हो गए 398। तो ये तो आपके ये जो है असाइनमेंट के नंबर हैं और ये आपके थ्योरी के नंबर हैं, मतलब आपके 30% तो असाइनमेंट के नंबर ले लिए और 70% आपके दोनों ईयरों के थ्योरी के नंबर ले लिए। तो अब इन दोनों को टोटल कर देते हैं, 30 और 70 100 हो जाएगा, तो इसलिए दोनों को टोटल कर देते हैं, 263 + 398 टोटल हो गए 661। तो ये हमारे कितने सब्जेक्ट थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सब्जेक्ट थे। तो हमारे 12 में से 661 नंबर आए हैं 1200 में से, क्योंकि 100 का एक क्वेश्चन पेपर था ये। तो दोस्तों अब ये आपके 661 नंबर आ गए हैं टोटल असाइनमेंट और थ्योरी के टोटल मिला के। तो अब आपको इसकी परसेंटेज निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, आपको इजीली मेथड है, ये देखिए 661 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 1200 में से नंबर आए हैं तो 1200, तो ये आपकी जो परसेंटेज निकल गई है वो निकली है आपकी 55.08। तो ये आपकी परसेंटेज आपकी निकल गई है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको अब भी कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वैसे इजीली है, सिंपल सा है, आपको असाइनमेंट के 30% लेने हैं, थ्योरी के आपको 70% लेने हैं, दोनों को जैसे अब इसमें असाइनमेंट में फर्स्ट सब्जेक्ट में 21 आए थे 30% निकाल के और थ्योरी में 70% निकाल के 35, तो दोनों का टोटल हो गया 56। तो ऐसे 56 ऐसे सबका टोटल कर लो, इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है इसलिए मैंने आपके असाइनमेंट के टोटल कर लिए 263, थ्योरी के टोटल कर लिए, दोनों का टोटल करके 661 आ गया। तो इसको डिवाइडेड बाय 1200 कर दिया और इनटू 100, क्योंकि 100 में से निकलेंगे तो आपका इजीली निकल जाएगा। तो ये आपकी जो परसेंटेज है वो आपकी 55.08 आ गई है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ अच्छी लगे होगा, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इग्नू का जो भी MA का कोर्स है उसकी जो परसेंटेज निकालनी है वो कैसे निकालनी है। बड़ा ही ईजी है, थ्योरी का 30% ये याद रखिए, और सॉरी असाइनमेंट का 30% और थ्योरी का 70%, और दोनों को टोटल करके आप अपनी परसेंटेज निकाल सकते हैं दोस्तों। लेकिन ये ध्यान रखिए, जो सेकंड ईयर में जैसे मान लो 50 है, ये 100 में से दे रखे हैं, आप इसको 50 में से निकाल लीजिए, हाफ़ कर लीजिए उसका, जितने भी आपके यहाँ निकले उसका हाफ़ कर लीजिए, ऐसे ही सबके हाफ़ कर लीजिए, परसेंटेज आपकी लास्ट में जाके इतनी ही निकलेगी, परसेंटेज में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप परसेंटेज सेम निकलेगी। इसलिए मैंने 100 में से इजीली समझ में आ जाए इसलिए ये आपको समझाया है, परसेंटेज आपकी सेम रहेगी। उम्मीद करता हूँ आपके जो MA में जो भी परसेंटेज निकालते हैं उससे रिलेटेड जो भी डाउट थे वो सारे अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। फिर भी यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ लें, मैं आपको उसकी जो सॉल्यूशन है ज़रूर बताऊँगा। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने सारे फ्रेंड्स रिलेटिव वगैरह सब जगह इसे शेयर करें, ताकि वो भी MA के जो भी कोर्स है उसकी परसेंटेज ईजिली निकालना सीख ले सके। और इसी के साथ यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसी ही वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि ऐसी ही वीडियोस सबसे पहले आपको उसका जो नोटिफिकेशन है वो मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।